दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सीएससी के माध्यम से पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे करते हैं। दोस्तों आपको पता है यूटीआई ने अच्छा खासा अपने अंदर बदलाव कर दिया है वेबसाइट में, तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को। अब सबसे पहले यहाँ सर्च बार में आपको पैन टाइप करना है और एंटर कर देना है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आफ्ताब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड सर्विस एनएसडीएल और ये ई केवाईसी पैन कार्ड, ये चारों ही सर्विसें दिखा रहे हैं। हमको यहाँ यूटीआई पैन कार्ड से करना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक हेयर कर देना है, लॉगिन कर देना है इसको। अब जैसे ही यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं तो अब यहाँ पर ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। अब यहाँ पर हमें अप्लाई ऑनलाइन न्यू पे करना है, अप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड इस पे कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए इतने सारे ऑप्शन खुल के आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर पैन कार्ड फिजिकल मोड पे करना है, डिजिटल मोड पे करना है, लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पर अभी फिजिकल मोड पे ही करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें दोस्तों दिखा रहा है बोथ फिजिकल पैन कार्ड यानी ई पैन कार्ड और आपको जो डाक द्वारा आता है वो, और या तो सिर्फ आपको ई पैन कार्ड, तो हमें दोनों पे ही क्लिक कर देना है बोथ पे। अब यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब ये जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले नेम टाइटल सेलेक्ट करना है, जो भी है मिस्टर मिसेस। और दोस्तों अब यहाँ पे हमें लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम डालते हैं। और दोस्तों जैसे यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे यहाँ पे कार्ड पर नाम जो छप के आएगा वो संतोष कुमार यादव छप के आएगा। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यू हैव बीन नॉन बाई अदर नेम, तो हमें ये नो कर देना है यहाँ पर। और उसके बाद में जेंडर पे मेल कर देना है, जो भी आपका जैसे अभी आप आवेदन कर रहे हैं उस पे वहाँ पर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद में मंथ, फिर डेट, और ऐसे ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर रेजिडेंस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो आपका स्टेट है वो, और यहाँ पर नीचे नेक्स्ट आ जाना है और इस पर आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर दोस्तों एनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से री एंटर करना है आधार नंबर और इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आधार पर जो नाम है उसको यहाँ पर पूरा डाल देना है, ये नंबर आपको नोट कर लेना है, अंदर रेफरेंस नंबर जो दिखा रहा है ये यहाँ पर नोट कर लेना है आपको अलग से। ये कब नेक्स्ट स्टेप पे आप चाहेंगे तो यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, एड्रेस प्रूफ, और इसके बाद में मेक पेमेंट पे कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मेक पेमेंट पे जैसे जाएंगे तो आपको सीएससी वॉलेट पे ले जाएगा
और यहाँ पर अपना पासवर्ड जो सीसी पासवर्ड है वो डालना है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो वॉलेट पिन है उसको यहाँ पर डालना है और पे नाउ पे कर देना है। अब यहाँ पे कुछ टाइम ले रहा है, इसके बाद में ये फॉर्म खुल के आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको रेफरेंस नंबर ये आप नोट कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। फिर यहाँ चेक आधार पे कर देना कि कहीं किसी दूसरे नंबर पे नहीं लगा है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट में अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ ये भी है कि फादर नेम पे अगर आप सिंगल नेम है और आगे कुछ सरनेम नहीं है तो आप लास्ट नेम में ही जो उनका मेन नाम है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमको एड्रेस फिलअप करना है, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस रहेगा आईडी के ऊपर आधार के ऊपर वो यहाँ पर टोटल फिलअप कर देना है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हमने पूरी वीडियो में पूरी तरीके से सब समझा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए और लास्ट तक इसको इस वीडियो को देखना, और अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आती तो इसको डिसलाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर आते हैं, तो ये आप अपने आप से खुद ही ये ले लेगा, फिलअप कर लेगा। अब यहाँ पर हमको कोई सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर हिमसेल्फ ही कर देना है, और यहाँ पर वेरिफिकेशन प्लेस जो आप कर रहे हैं वो यहाँ पर कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाएगा कि आपने क्या चूज़ कर करा है, और इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो भी पिक्सल में डालना है आईडी अपलोड करनी है वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर सबमिट कर देना है, और जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे तो एक आपका वो जो कस्टमर को आप देंगे या जो आवेदक को देंगे यहाँ पर तो स्लिप निकल आएगी। अब इसको चाहे प्रिंट कर लें या इसको पीडीएफ में सेव कर लें, और यहाँ पर ये डाउनलोड फॉर्म यहाँ पैन फॉर्म जो है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, और इसके बाद में ये डाउनलोड हो जाता है तब आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के जो आवेदक है उसका हस्ताक्षर लेना है यहाँ पे, साइन लेना है, और उसके बाद में इसको सबमिट पे आगे प्रोसेस करना है। तो दोस्तों ये स्लिप भी आप निकाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है यूटीआई की तरफ से। अब हम इसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है न्यू पैन ऑप्शन में, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा खुल के आएगा। नेट थोड़ा धीमा चल रहा है मेरा। अब यहाँ पर अपलोड अपलोड पे करते हैं जैसे ही। अब यहाँ पर जैसे पहले करते थे आप वैसे ही यहाँ पर सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर पैन फॉर्म डालना है, अब यहाँ पर पैन फॉर्म अपलोड कर देना है। यहाँ पर अटैच्ड आधार साथ में होना चाहिए, और ये यहाँ पर पिक्चर जो आपकी फोटो है वो यहाँ पर 213 पिक्सल में करना है, और यहाँ पर 600 पिक्सल में ये आपको यहाँ पर साइन किया हुआ जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड करना है।
और दोस्तों यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, यहाँ पर अपलोडिंग में अपलोडिंग प्रोसेस चल रहा है और नेट धीमा होने के कारण थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही, अब ये देखिए यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, और जैसे यहाँ पर अपलोड होगा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके लिए कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर पसंद नहीं आई तो आप इसको डिसलाइक भी करें और आप अपना कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम रही है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं।